नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। भारत और जापान के बीच में डिफेंस बढ़ रहा है, भारत और जापान के बीच में डिफेंस के आयात निर्यात बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होना संभव है और बहुत सारी आदान प्रदान डिफेंस के सेक्टर में होने संभव है। लेकिन जहां जापान टेस्ट कर रहा है अभी इस चीज़ को, चीन ने उस चीज़ को तैनात भी कर दिया है। चीनी नौसेना ने अपने एक MPBS शिप पर लेजर हथियार की तैनाती की है और ये अपने इलाके में पहली बार है। भारत में भी बन रहे हैं लेकिन इस तरह से जिस तरह से चीन ने किया है वो पहली बार है। इस हथियार की तैनाती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। इसमें दक्षिणी चीन सागर में चीनी नौसेना को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। लेजर हथियार के जरिए हवाई खतरों से आसानी से निपटा जा सकता है, बहुत सस्ते में निपटा जा सकता है और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक महज कुछ रुपया की तरंग छोड़कर एक हजारों करोड़ का फाइटर जेट को तबाह किया जा सकता है। अब हम बात करें, चीन ने अपने टाइप 071 MPBS असाल्ट शिप पर लेजर हथियार को तैनात किया है। इसे अमेरिका समेत भारत के लिए खतरा माना जा रहा है। इस तरह के हथियार में अभी तक चुनिंदा देशों ने ही महारत हासिल की है, जिसमें से अमेरिका भी एक है। कुछ महीने पहले जापान ने भी लेजर हथियार का सफल टेस्ट किया था लेकिन वह अभी तक किसी भी युद्ध पोत पे इसे नहीं लगा पाया है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे पूर्णतया स्थापित नहीं कर पाया है। लेजर हथियारों की डिमांड आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खासकर लाल सागर में हूतियों के ड्रोन हमलों के बाद। इन सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार बेहद कारगर माने जा रहे हैं। बात करें लेजर हथियार की, तो लेजर हथियार बहुत ही शानदार चीज़ है और बहुत मतलब खतरनाक चीज़ भी आप इसे कह सकते हैं। द वार जोन की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अभी तक अपने लेजर हथियारों का अधिकांश इस्तेमाल जमीन पर किया है। यह पहली बार है जब किसी युद्धपोत पर इसकी तैनाती देखी गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी PLAN के टाइप 071 MPBS असाल्ट शिप पर एक नया लेजर हथियार दिखाई दिया है। यह जहाज कथित तौर पर एक रिफीट से अभी अभी बाहर निकला है। यह सिस्टम जहाज के धनुष पर 76 mm की गन के ठीक पीछे लगा हुआ है। इस्तेमाल नहीं होने की सूरत में यह हथियार एक बड़े गुंबदनुमा कवर के नीचे छिप जाता है, मतलब ये आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, पीछे छिपा रहता है ये, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चीन का ये जो टाइप 071 शिप है ये कितना शक्तिशाली है। टाइप 075 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के बनने तक टाइप 071 चीनी नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस युद्धपोत था। टाइप 071 लगभग 25,000 टन विस्थापन करने वाला युद्धपोत है। हालांकि भारत में इससे बड़े हैं लेकिन फिर भी किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक हथियार लगाया जा चुका है। इसमें एक छोटा फ्लाइट डेक भी है। इसके अलावा इस युद्धपोत में 4Z8 भारी परिवहन हेलीकॉप्टर को के लिए हैंगर स्पेस भी बना हुआ है। इसमें 4 एयर कुशन लैंडिंग क्राफ्ट, लगभग 60 वक्तरबंद लड़ाकू वाहन और 800 सैनिकों की क्षमता है। यह अमेरिका नौसेना के सैन एंटोनियो LPD-17 क्लास के युद्धपोत के समान है। रिपोर्ट के अनुसार टाइप 071 पोत को लेजर हथियार के लिए एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया है। अगर यह टेस्ट सफल रहता है तो हथियारों को दूसरे युद्धपोत पर भी तैनात किया जाएगा। अमेरिका की कॉपी चीन पहले से करता आ रहा है। चीन को नकलची कहा जाता है लेकिन चीन की यही नकलची वाला काम आज चीन को बहुत आगे ले जा चुका है। वो भले ही नकल करता है लेकिन हथियार बना लेता है। उसने F-35 को देखा तो J-20, J-30 फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट बना लिए। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें बना रहा है। चीनी लेजर हथियार देखने में अमेरिकी नौसेना के इस्तेमाल किए जाने वाले लेजर हथियार के बहुत ही समान हैं। अमेरिका नौसेना ने सैन एंटोनियो क्लास लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक USS पोर्टलैंड पर लेजर वेपन को तैनात किया है। इसे पहली बार 2019 के अंत में देखा गया था। मई 2020 में US पोर्टलैंड ने अपने लेजर हथियार के जरिए एक छोटे ड्रोन को सफलतापूर्वक नीचे गिराए जाने का दावा किया था। USS पोर्टलैंड पर लेजर हथियार का औपचारिक रूप से लेजर वेपन सिस्टम डेमोस्ट्रेटर LWSD इसे बोलते हैं MK2 मोड 0 के रूप में जाना जाता है और इसे नॉर्थन गुम्बन द्वारा विकसित किया गया था।
बात करें भारत की, तो भारत में भी बहुत सारे लेजर हथियार डेवलप होने की बात हो रही है, डेवलप किए भी जा रहे हैं। कई सारे मिसाइल्स और कई सारे ड्रोन या फाइटर जेट्स को मार गिराने की बात भी हो रही है कि हम ऐसा कर लेंगे, हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं। भारत अब किसी से पीछे नहीं रहा है, धीरे धीरे करके भारत आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी हमारी जो गति है, जो स्पीड है, वो चाइना के हिसाब से बहुत कम है। हमें काउंटर करने हैं दो देश, पाकिस्तान और चीन। लेकिन ऐसे में भारत की स्पीड अभी काफ़ी कम है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात हो, या फिर पनडुब्बी की बात हो, या किसी अलग टेक्नोलॉजी की बात हो, भारत अभी काफ़ी पीछे है। भारत के पास अभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं आई, भारत के पास अभी पूर्णतया अपना जो फाइटर जेट का इंजन होता है उसके बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं आई। कई सारी चीज़ों में अभी भारत पीछे है, लेकिन भारत ऐसे पीछे नहीं है, भारत संघर्ष कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत, और आज नहीं तो कल भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ साथ में हम इस वीडियो को विराम देते हैं, और जाते जाते कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।